नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं कीमा आधा किलो, टमाटर आधा पाव, प्याज दो अदद दरमियाने साइज़ की, दही एक पाव, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 2 टीस्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, चने 2 टेबल स्पून, खशखाश 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 बंच, पुदीना 1 बंच, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, ऑयल 1 कप। तरकीब, सबसे पहले आप कीमे में हरा मसाला, 1 प्याज, भुने हुए चने, खशखाश, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से बारीक पीस लें। फिर इसकी आप छोटी छोटी बॉल्स बना लें और इसे एक साइड पर रख लें। अब आप एक पतीली में ऑयल गरम करें और फिर उसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालें और उसे गोल्डन ब्राउन कर लें। उसके बाद आप उसमें टमाटर डालें और उसे सॉफ्ट कर लें। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए और उसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर आप उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और उसे सौते कर लें। उसके बाद आप उसमें तमाम पिसे हुए मसाले आधी प्याली पानी के साथ डाल के उसे अच्छे से भून लें। जब मसाला भुन जाए तो आप इसमें कोफ्ते डालें। अगर कोफ्ते चिकन के हैं तो दही साथ ही फेंट के डाल दें, और अगर कोफ्ते बीफ या मटन के हैं तो आप इसमें 1 कप पानी डालें और इसे 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। जब कोफ्तों में पानी खुश्क हो जाए तो इसमें आप दही फेंट के डाल दें। याद रहे कि कोफ्तों में चम्मच नहीं चलाना है, बल्कि साफी या किसी कपड़े की मदद से कोफ्तों की पतीली को हल्का सा हिला देना है ताकि कोफ्ते और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और 1 कप पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।